तो गाइस स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्नो आरम में, और लेके आ गया हूं मैं आज आपके लिए गर्मा गर्म टेक न्यूज़। आज के टेक न्यूज़ काफी गर्मा गर्म होने वाली है। और गाइस कल मैंने आपको पोल में पूछा था कि रेडमी 10X और होनर X10 इन दोनों में से आप कौन सा परचेस करोगे, तो कुछ लोगों ने कहा रेडमी 10X और कुछ लोगों का होनर 10X, तो अच्छा ही जवाब दिया आप लोगों ने। तो पोल का जो ऑप्शन मैं फिर से नहीं रखना चाहता हूं, क्योंकि यूट्यूब का जो पोल ऑप्शन है वो यूट्यूब हटाने वाला है। तो इसलिए जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप सीधा हमें कमेंट बॉक्स में जवाब देना। तो वीडियो पूरा देखना, वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन जरूर पूछूंगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और नॉलेजेबल होने वाली है और गर्मा गर्म टेक न्यूज़ है। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। तो बिना देर करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहली खबर की बात करें तो पोको की तरफ से, और पोको का एक नया ऑडियो प्रोडक्ट कंपनी जल्दी लॉन्च करने वाली है पोको पोपो बर्ड के साथ। जी हाँ, सी मनमो ने ट्विटर पर एक पोस्ट करते हुए कंफर्म कर दिया कि पोको पोपो बर्ड के साथ कंपनी एक और नया ऑडियो प्रोडक्ट लॉन्च करेगी जो कि 2000 के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। बाकी ये जो ऑडियो प्रोडक्ट है क्या होगा मुझे तो नहीं पता है, बाकी मुझे इतना लगता है कि ये ऑडियो प्रोडक्ट पोको का कोई ब्लूटूथ स्पीकर हो सकता है या फिर कोई वायर वाला ईयरफोन हो सकता है। बाकी देखते हैं कंपनी इसे किस प्राइस रेंज में लॉन्च करती है और ये ऑडियो प्रोडक्ट क्या होने वाला है। जैसे इसके रिलेटेड और कोई न्यूज आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस दूसरी खबर की बात करते हैं OnePlus की तरफ से, और OnePlus McLaren Edition जो कि OnePlus 6 और OnePlus 7 सीरीज के अंदर में आता है, फाइनली आज कंपनी ने इसे बंद कर दिया है। और किस रीजन से बंद कर दिया है ये तो नहीं पता है, पर रिपोर्ट आई है कि OnePlus और McLaren Edition, मतलब McLaren Edition जो है वो McLaren एक स्पोर्ट्स कार है, उसी के साथ OnePlus ने पार्टनरशिप किया है और McLaren Edition को बनाया है। तो OnePlus और जो McLaren कंपनी है उसी के साथ कंपनी जो पार्टनरशिप किया था 2018 से लेकर 2020 तक, 2 साल का पार्टनरशिप था, और फाइनली इसी साल ये जो पार्टनरशिप है वो कंपनी एंड कर रही है, मतलब खत्म हो चुका है पार्टनरशिप। तो इसीलिए OnePlus ने अपना जो McLaren Edition है इसको भी बंद कर दिया है। इसके बाद आपको OnePlus का McLaren Edition के अंदर में कोई जो स्मार्टफोन है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस तीसरी खबर की बात करें तो Xiaomi लैपटॉप से रिलेटेड है, और ईशान अग्रवाल जो कि एक काफी पॉपुलर टिप्स्टर है उन्होंने मी लैपटॉप से रिलेटेड कुछ लीक शेयर किए हैं। और उनका कहना है कि मी लैपटॉप जो कि मनु कुमार जैन ने एक टीजर वीडियो में शो किया था वो मी नोटबुक प्रो के जैसा ही है जो कि 15 इंच का है, और जिसे कंपनी इंडिया में कुछ कस्टमाइज करके लॉन्च करेगी, मतलब कैमरा क्वालिटी, डिस्प्ले क्वालिटी और प्रोसेसर ये सब जो है वो कुछ चेंजेस करके इंडिया में लॉन्च करेगी। बाकी ये जो लैपटॉप है ये अफोर्डेबल प्राइस रेंज में नहीं आने वाला है। बाकी देखते हैं कंपनी से किस प्राइस रेंज में और क्या स्पेक्स के साथ इंडिया में कब लॉन्च करती है। चौथे खबर की बात करें तो मित्रो ऐप जो है जो कि एक टिकटॉक का क्लोन वर्जन है, और ये जो ऐप है ये इंडियन ऐप नहीं है, ये एक पाकिस्तानी ऐप है। जी हाँ, पाकिस्तान की एक कंपनी क्यू बॉक्सेस ने इस ऐप को बनाया है, और एक इंडियन ने इसे 2600 रुपये में इसका जो सोर्स कोड है उसको परचेस किया है, और डिज़ाइन को और कुछ चेंजेस करके उसे अपडेट करके प्ले स्टोर में पब्लिश कर दिया है, और कुछ दिन में ही ये जो ऐप है वो पूरा धमाल मचा रहा है, पूरा पॉपुलर हो चुका है। और ये जो ऐप है ये ऐप पाकिस्तानी ऐप है, और क्यू बॉक्सेस कंपनी ने अपने एक रिपोर्ट में कहा है जिस कारण जो है इसका जो सच्चाई है वो पता चल चुका है। तो बाकी अभी कुछ ऑफिशियल मतलब कन्फर्मेशन नहीं आई है कि ये जो ऐप है ये एक इंडियन ऐप है कि पाकिस्तानी ऐप है। बाकी देखते हैं आगे क्या रिपोर्ट निकल के आती है। बाकी क्यू बॉक्स कंपनी का यही कहना है कि ये जो ऐप है ये उन्होंने बनाया है और ये एक पाकिस्तानी ऐप है, ये इंडियन ऐप नहीं है। तो गाइस पांचवें नंबर खबर की बात करें तो सैमसंग की तरफ से, और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सैमसंग M01 और M11 ये दोनों जी स्मार्टफोन है ये इंडिया में जून के फर्स्ट वीक को लॉन्च हो गए, और फाइनली कंपनी ने अपना जो इंडियन वेबसाइट है इस पर ये जो M01 और M11 दोनों स्मार्टफोन को लिस्ट कर दिया है। और ये दोनों जी स्मार्टफोन है इसे कंपनी 2 जून को लॉन्च करने वाले इंडिया में, और इसी के साथ इन दोनों स्मार्टफोन की जो रिटेल बॉक्स है वो भी आ चुकी है। तो M01 में आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिलने वाला है, और उसी के साथ M11 में आपको एक सिंगल पंच होल कैमरा दिया जाएगा। और M01 जो स्मार्टफोन है इसकी प्राइस भी आ चुकी है, 3GB RAM वाले वेरियंट की प्राइस कंपनी 9000 के अंदर में लॉन्च कर सकती है, और M11 वाला जो स्मार्टफोन है इसकी जो 3GB RAM वाले वेरिएंट की प्राइस कंपनी 11000 के अंदर में लॉन्च कर सकती है। बाकी देखते हैं कंपनी 2 जून को क्या प्राइस में लॉन्च करती है, बट एक्सपेक्टेड जो प्राइस है वो यही बताई जा रही है। बाकी देखते हैं कंपनी से जब लॉन्च करेगी 2 जून को तभी पता चलेगा। अगर आपको परचेस करना है तो रेडी रहो, पहले से 2 जून को कंपनी से इंडिया में लॉन्च कर रही है। तो गाइस 7 नंबर वाली खबर की बात करें तो वीवो की तरफ से, और वीवो X50 सीरीज जो है वो इतना जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। जी हां, वीवो X50 सीरीज से रिलेटेड एक लीक आई है, और जिसे ये पता चल रहा है कि Vivo X50 की सीरीज के अंदर में आपको 3 स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, Vivo X50, X50 Pro और X50 Pro Plus। और ये जो Vivo X50 और X50 Pro है इन दोनों में आपको Snapdragon का 765G वाला प्रोसेसर है वो दिया गया है, और X50 Pro Plus में आपको Snapdragon का 865 वाला जो प्रोसेसर है वो दिया गया है। और प्राइसिंग से रिलेटेड अभी तो कोई न्यूज नहीं आई है, बट Vivo X50 Pro की जो प्राइस है वो आ चुकी है, और इसकी जो प्राइस है वो 3999 yuan रखी गई है जो कि इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 42000 बनता है। तो बाकी ये जो स्मार्टफोन है ये इंडिया में बहुत ही जल्द आने वाला है, क्योंकि टेक राडार जो कि एक काफी पॉपुलर लिस्टर है उनका कहना है कि ये जो स्मार्टफोन है वो बहुत ही जल्द आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। बाकी मैं काफी एक्साइटेड हूँ कि कंपनी से इंडिया में किस प्राइस रेंज में लॉन्च करती है और किस स्पेक्स के साथ, मतलब कुछ स्पेक्स चेंज करती है कि सेम स्पेक्स होने वाला है, मैं काफी एक्साइटेड हूँ। बाकी आपको क्या लगता है अगर इंडिया में इसे
लॉन्च किया गया, तो आप परचेस करोगे कि नहीं, आज का ये क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो गाइस आठवें नंबर खबर की बात करें तो ओप्पो की तरफ से है, ओप्पो रेनो 4 सीरीज के अंदर में जितने भी स्मार्टफोन देखे आपने, ओप्पो रेनो 4, 4 प्रो, इन दोनों में ही आपका जो रियर कैमरा का डिजाइन है और रियर का जो डिजाइन है वही आपने देखा है, फ्रंट का जो डिजाइन है वो आपने नहीं देखा है। तो फाइनली ओप्पो रेनो 4 जो है इसकी फ्रंट की डिजाइन आ चुकी है और इस टाइप का आपको फ्रंट में देखने को मिलेगा, और फ्रंट में आपको ड्यूल पंच होल कैमरा दिया गया है वो भी 32+2 मेगापिक्सल का। बाकी जो ये दोनों स्मार्टफोन ओप्पो रेनो 4 और ओप्पो रेनो 4 प्रो, ये दोनों जो स्मार्टफोन कंपनी 5 जून को चाइना में लॉन्च करने वाली है, बाकी देखते हैं कंपनी से किस प्राइस रेंज में लॉन्च करती है, बाकी इंडिया में भी ये आता है कि नहीं वो भी देखते हैं। बाकी इंडिया में अगर इसे लॉन्च किया गया तो किस प्राइस रेंज में लॉन्च करेगी कंपनी वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी देखते हैं कंपनी से इंडिया में लॉन्च करती है कि नहीं। तो गाइस 9 नंबर वाले खबर की बात करें तो Redmi की तरफ से डिजिटल चैट स्टेशन ने Redmi से रिलेटेड एक पोस्ट शेयर किया है और उनका कहना है कि Redmi 10 जो स्मार्टफोन है इससे रिलेटेड बहुत सारे जो स्मार्टफोन है कंपनी लॉन्च करने वाली है, और ये सारे जो स्मार्टफोन है ये Redmi 10 सीरीज के अंदर में ही आने वाले हैं जो कि 4G स्मार्टफोन होंगे और बजट रेंज के अंदर कंपनी से लॉन्च करेगी, और सबसे पहले कंपनी इसे चाइना में लॉन्च करेगी और उसके बाद आपको बाकी जो कंट्री है वो देखने को मिलेगा। बाकी ये सारे जो स्मार्टफोन है किस नेम से और किस प्राइस रेंज में लॉन्च करेगी ये तो नहीं पता है, बट बजट रेंज के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। बाकी सबसे पहले कंपनी Redmi 9 जो है उसको लॉन्च करे, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं उनको Redmi 9 का बहुत बेसब्री से इंतजार है, तो सबसे पहले कंपनी Redmi 9 जो उसको लॉन्च करे उसके बाद Redmi 10 के बारे में सोचना। बाकी आपको क्या लगता है इसकी क्या प्राइस हो सकती है आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो गाइस 10 नंबर वाले खबर की बात करें तो Realme की तरफ से Realme 6s और Realme Buds Q ये दोनों ही डिवाइस इंडोनेशिया पर लिस्ट हो चुके हैं, और इससे ये पता चल रहा है कि Realme 6s और Realme Buds Q बहुत ही जल्द आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। बाकी कंपनी से किस स्पेसिफिकेशंस के साथ इंडिया में लॉन्च करती है वो देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, और किस प्राइस रेंज में लॉन्च करती है बाकी देखते हैं, कंपनी जैसे इसे इंडिया में लॉन्च करेगी या फिर इससे रिलेटेड और कोई न्यूज़ आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस 11 नंबर खबर की बात करें तो Honor की तरफ से और Honor Play 4 सीरीज जो है इसके अंदर कंपनी 3 स्मार्टफोन को लॉन्च करेगी, Honor Play 4, Honor Play 4T और Honor Play 4 Pro, और Honor Play 4 Pro जो है इसकी लाइव इमेज भी आ चुकी है और पीछे में आपको इस टाइप का डिजाइन देखने को मिलेगा और ड्यूल कैमरा सेटअप होने वाला है, और साथ ही में आपको एक लीडार सेंसर भी दिया जाएगा जो कि आपको आईफोन 12 सीरीज में दिया जाने वाला है, वो लीडार सेंसर आपको इसमें दिया गया है, और बाकी इसके फ्रंट की जो इमेज है वो नहीं आई अभी तक, और क्या स्पेक्स होने वाली है वो भी नहीं आई है, और किस प्राइस रेंज में कंपनी से लॉन्च करेगी वो भी अभी तक नहीं पता चला है। बाकी कंपनी से 3 जून को लॉन्च करेगी चाइना में तो ही पता चलेगा कि इसकी क्या स्पेक्स होने वाली है और क्या प्राइसिंग होने वाली है, जैसे इससे रिलेटेड जैसी और कोई न्यूज आएगी प्राइसिंग या स्पेक्स से रिलेटेड तो मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस 12 नंबर खबर की बात करें तो वीवो की तरफ से वीवो का एक स्मार्टफोन का जो पैटर्न है वो आउट हो चुका है, और ये जो स्मार्टफोन है इसमें आपको रियर में ड्यूल कैमरा का सेटअप मिलेगा और साथ ही में आपको फ्रंट में एक पॉपअप कैमरा दिया गया है, और साथ में आपको 3.5mm का हेडफोन जैक भी दिया गया है, और जो डिजाइन है वो थोड़ा अलग आपको देखने को मिलेगा, फ्रंट में थोड़ा बेजल आपको कम देखने को मिलेगा और नीचे में थोड़ा बेजल आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। बाकी ये जो डिजाइन है वो किस सीरीज में कंपनी लॉन्च करेगी और क्या नाम से लॉन्च करेगी वो तो मुझे नहीं पता है, और क्या स्पेक्स भी होने वाली है वो भी नहीं पता है, खाली अभी प्रोटोटाइप आया है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, और इससे रिलेटेड जैसे और कोई न्यूज आएगी तो मैं आपको जरूर से बता दूंगा। तो गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि टेक्नोलॉजी रेट ऐसे और वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी जब हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, स्टे होम रहिए, स्टे सेफ रहिए, और घर में अपना ख्याल रखिए।